नाता ही तोड़ दें, बस में नहीं है ये भी के साथ उनका छोड़ दें। कैसा हिसारे इश्क है, कैसी है जिंदगी, जीने का सिर्फ नाम है, ऐसी है जिंदगी। काफ़ी दिनों से आप ही ने कॉल नहीं की और आई भी नहीं, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही मिलाती हूँ। हाँ, तुमने सोचा कि चलो आप ही के घर चल के देखते हैं कि आप ही को आप ही के ससुराल वालों ने कौन सी काल कोठरी में रखा हुआ है। तुमने बदतमीजी की उन लोगों से? अबू, उन लोगों ने राबिया आप ही की जिंदगी को अजाब बना दिया है। इससे पहले कि ये बात मैं आपको बताऊँ, उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। आपको नहीं लगता कि मेरे अबू को फोन करने से पहले आपको अपनी अम्मी के अलावा मेरी भी बात सुन लेनी चाहिए? मैं उन बेटों में से हरगिज नहीं हूं जो अपनी बीवियों को माओ पर फौकिया देते हैं। आबिद की बहन कितनी खूबसूरत लग रही है ना। हाँ। मारिया, तुमने मुझे बताया नहीं कि आलम भी इस फंक्शन में आए? तो जाहिर है आबिद आलम का बेस्ट फ्रेंड है, तो आबिद की बहन की मंगनी में आना आलम के लिए मुमकिनात में से तो है ना। तुम जानती हो कि आलम को बार बार फेस करने में मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे आलम तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। आजकल वो इसी तरह से देखते। वैसे दिल तो चाह रहा है कि आलम से जाकर कहूं कि इस नेक काम में देर ना करें। मको मत। अच्छा तुम रुको, मैं जरा आबिद की बहन से मिलकर आती। मारिया, हम दोनों एक दूसरे की तकदीर में लिख दिए गए। इस बात का सबूत यह है कि तकदीर हमें बार बार किसी ना किसी मोड़ पर आकर मिला देती है। ये महज एक इत्तेफाक है। तुम चाहे इसे जो भी समझो, मगर मैं तो इसे तकदीर का फैसला ही समझूंगा। जिंदगी एक हकीकत है आलम, और जिंदगी को हकीकत पसंदी से ही गुजारा जाए तो इस दुनिया से जाने का मकसद पूरा होता है। वरना सांसें तो जानवरों की भी मिलती है ना, और जानते हैं इंसानों और जानवरों में क्या फर्क है? क्या? वो वक्त और रिश्तों की नजाकत को नहीं समझते, वो नहीं जानते कि मसलहतें क्या होती हैं। ये सोच और ये समझ तो सिर्फ इंसानों को मिली है। रानिया, इस बात के पसे पर्दा अगर तुम मुझे ये कहना चाह रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो तुम अपना वक्त जाया कर रही हो। रानिया, मैं एक आम आदमी हूँ और मेरी सोच भी आम आदमी जैसी ही है। मैं इतना अजीम नहीं हूँ कि दूसरों के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दूँ। तो ठीक है, जाइए जाके अपने बाबा साईं से बात करें। अगर वो मान जाते हैं तो मुझे भी कोई मसला नहीं है, और अगर वो नहीं मानते तो मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखिएगा, और ना ही ये सोचिएगा कि मेरे अबू आपको कोई फेवर देंगे। सब हो मुश्किलें, आवाज निकालिए, हमेशा के लिए आवाज बंद कर दूंगा। कौन है तुम लोग, क्या चाहते हो? पैसा से और जो भी है निकाल दो, अगर कोई होशियारी की बुढ़िया और तुम दोनों जान से जाओगे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। झूठ बोलती है साली, जो भी सामान फटाफट लेके आओ। नहीं बेटा, इसे कुछ नहीं कहो, इसे कुछ नहीं कहो। बेटा तुम जाओ, जा खिला दो, जो कुछ तुम्हारे पास है ला दो इसे। जाओ फटाफट लेके आओ। बस यही कुछ है हमारे पास। जा कपड़ा लेके ऐसे बांधने के लिए।
चलो चलो। हमें अरे भी सारा दिन तो मेरी बहू जो है ना फोन के इर्द गिर्द मंडलाती रहती है, मैं कैसे तुम्हें फोन करूं? अभी वो दोनों मियां बीवी उठकर गए हैं सोने के लिए, तो मैंने सोचा मैं तो कम से कम तुमसे बात तो कर लूं ना। अरे भाई उसका तो एक ही मकसद है कि किसी तरीके से मेरे बेटे को अपने हाथ में कर ले। तुम्हें पता है एक दिन शहाब ने ना उसे खाने की खूब तारीफ की, बड़ा अच्छा खाना बनाया। दो दिन तक अपनी गर्दन को अकड़ा के घूमती रही, लेकिन तीसरे दिन मैंने अपना काम दिखा दिया। जब वो खाना बना रही थी ना, खूब मिर्च मसाले डाल रही थी ना, तो मैंने भी जाकर ना खूब ज्यादा सा नमक डाल दिया। फिर जिस मुंह से शहाब तारीफ कर रहा था ना, वाह क्या खाना है, उसी मुंह से उसने कह दिया कि क्या जहर बना के रख दिया। हाय हाय, पूछना तो जो वो लम्हा था ना, क्या मुझे खुशी मिली है मैं तुझे बता नहीं सकती। ये जो आजकल की लड़की है ना, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, आते ही सास की जगह लेने की कोशिश करती है। और राबिया, अरे भाई राबिया की तो माँ ही नहीं है, उसकी तरबियत। तुम इस वक्त क्या बात है अम्मी, आप इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हैं? और ये रात में इस वक्त किससे बात कर रही थी आप? वो हाँ, वो तुम्हारी खाला खालदा का फोन था, उनसे बात कर रही थी। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो सो जाती हो तो फिर सुबह ही उठते हो। प्यास की वजह से आँख खुल गई थी, उठकर देखा तो पानी नहीं था, सोचा किचन में जाके पी लूँ, रात बहुत हो चुकी है, आप भी सो जाइए। ठीक है। शुक्र है इसने कुछ सुना नहीं। जी अबू, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। जी मारिया मुझे ड्रॉप कर देगी। खुदा हाफिज। अरे अब तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? एक्चुअली मारिया बहुत देर हो गई है, अबू का फोन भी आ चुका है और यहाँ पे तो मजीद देर हो जाएगी। मारिया तुम मुझे ड्रॉप कर दोगी? सॉरी मैं तो खुद अपनी गाड़ी नहीं लाई, मेरी गाड़ी खराब थी तो वसीम भाई ड्रॉप करके गए मुझे। ओह नो। रानिया मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, मुझे आपके साथ नहीं जाना आलम। बेफिक्र रहो, तुम्हें भगाकर नहीं ले जाऊंगा। मिस रानिया ताहिर अहमद, आप मुझे घूरने का काम रास्ते में भी कर सकती हैं, फिलहाल आपका घर पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बाहर पार्किंग में आपका वेट कर रहा हूँ। ओके बाय। बाय। मुझे आलम के साथ नहीं जाना। क्यों? जिससे तुम तो कुछ जानती नहीं रानिया, तुम दुनिया में वो वाहिद लड़की हो जो उस शख्स के साथ से डरती हो जिसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो और जिस पे सबसे ज्यादा एतबार करती हो। एक बात जानती हो क्या? जब मैं आलम के साथ होती हूँ तो मुझे उन जज्बों से डर लगता है जो मैं आलम के लिए महसूस करती हूँ और आलम मेरे लिए। मैं तुम्हें गलत नहीं कहूँगी रानिया, मगर ये ज़रूर कहूँगी कि आलम उन मर्दों में से नहीं जो अपने चाहने वालों को हर्ट करते हैं। लेकिन मारिया मैं अब्बू को आलम के बाबा साईं के इनकार के बारे में बता चुकी हूँ, अब अगर अब्बू ने मुझे आलम के साथ देखा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? या खुदा पहले तो तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें असल में डर किस चीज़ से लगता है, आलम के जज्बों से या अपने अब्बा की सोच से? तुम नहीं समझोगी मारिया। मुझे कुछ समझना भी नहीं है, तुम इस वक्त सिर्फ जाने की बात करो और बाकी बातें हम बाद में करेंगे। बहुत बुरी हो तुम। ओके थैंक्स एंड बाय। अपना ख्याल रखना। थोड़ी देर का सफर तय करने का फैसला करने में तुम्हें इतना वक्त लगा, मगर मेरा साथ छोड़ने का फैसला करने में तुम्हें एक लम्हा नहीं लगा। क्या हुआ, इस वक्त क्यों फोन कर रही हो? वो रानिया बाजी अभी तक घर नहीं आई हैं। क्या Hisar-e-Ishq
से क्या देख रहे हैं? थोड़ी देर का सफर तय करने का फैसला करने में तुम्हें इतना वक्त लगा, मगर मेरा साथ छोड़ने का फैसला करने में तुम्हें एक लम्हा नहीं लगा। आलम, इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, और अगर आपको ऐसी ही बातें करनी है तो बेहतर यही होगा कि हम साथ में सफर ना ही करें। आप अभी तक जाग रहे हैं, तबीयत तो ठीक है? ठीक हूँ माया, तो सो जाओ। नहीं साई, कोई बात जरूर है जो आप छुपा रहे हैं। मैंने इतनी उम्र आपके साथ गुजारी है, आपकी खुशी और फिक्र का अंदाजा मैं आपके चेहरे से लगा सकती हूँ। सकीना, मैं सोचता हूँ कि मेरी औलाद कितनी बदनसीब है जिन्हें मेरे जैसा बाप मिला है। नहीं सही, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अल्लाह का शुक्र है आप बहुत अच्छे बाप हैं। कितना अच्छा होता अगर मैं आलम की खुशी का ख्याल करता, कुर्सी का ख्याल ना करता। सही, लानत भी जो उस बात पर, वो वक्त ही बुरा था। वो वक्त जो भी था, फैसला तो मेरा ही था ना सकीना। ऐसा फैसला किया कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। साईं, आप दिल छोटा ना करें, आलम बस थोड़ा नाराज है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो हमेशा हमेशा के लिए आपसे रूठ कर चला गया। साईं, कभी ये सुना है कि नाखून भी कभी गोश्त से जुदा हुआ है? मैं जानता हूं सकीना, तू मेरा दिल रखने के लिए ये सब कुछ कह रही है। सच्ची बात ये है कि मैंने अपने बेटे को धोखा दिया है। अगर मैं ऐसा ना करता तो इतना दुखी और मायूस होकर ना जाता। साईं, आप आलम को इतना चाहते हैं, मेरे को तो पता ही नहीं था। जब से आलम नाराज होकर गया है, मैं पछतावे की आग में जल रहा हूं। अगर मैं उसकी बात मान लेता तो वो ऐसे दुखी होकर ना जाता। वह छोड़ पड़े, तेरे साथ भी तो सारी जिंदगी जागीरदारों वाला सलूक किया है। कभी शौहर बन के तेरे दुख और खुशी को बांटा नहीं आए। साईं, आप फिक्र न करें, मैं आलम से बात करूंगी फिर। पर क्या? साईं, उसके आने से भी कुछ नहीं बदलेगा। जब तक आप उसकी बात नहीं मान लेते। सकीना, मुझे मेरा बेटा हर हालत में चाहिए, और वो जैसा कहेगा मैं वैसा करने को तैयार हूं। सच्ची साईं? हाय, अब तुझको भी मेरे पर एतबार नहीं रहा? ना साईं, ऐसी बात नहीं है साईं। अच्छा, ऐसा कर, उसको बुला ले और उसको ये भी बता दे कि मुझे वो लड़की कबूल है। आप फिक्र ना करें साईं, मैं कल ही उसे फोन करके बुला लेती हूँ। वाकई गाड़ी खराब हो गई है? नहीं, गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है। हम इस रोमांटिक मौसम में चौकिया रुके हैं। मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। हाँ,
इस तरह की फजूल बातें तुम ही पूछ सकती हो। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया कि आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? मैंने तो बस एक सवाल। रानिया प्लीज, दो मिनट के लिए खामोश हो सकती है? एक तो मैं पहले ही टेंशन में हूँ, गाड़ी खराब हो गई, बारिश इतनी तेज हो रही है, रास्ते ब्लॉक है, जा नहीं सकते। और मैं तो इस सिचुएशन से बहुत खुश हूँ ना, बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैं। ओह रियली? अब्बू, अब्बू का फोन आ रहा है। तो बात करो। अगर मैं उनसे बात करूंगी तो वो मुझसे पूछेंगे कि मैं अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची। अरे तो उनसे कह दो ना, जिस गाड़ी में तुम आ रही थी वो गाड़ी खराब हो गई है, रास्ते ब्लॉक है, बारिश हो रही है। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे आपके साथ देखे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो मुझे तुम्हारे साथ देखे, ताकि उनकी नजर में हमारा रिलेशन तो क्लियर हो कम से कम। अच्छा तो भाई ऐसा करें, आप अपने बाबा साईं को भी बुला लें, उन्हें भी तो पता चले कि हमारे दरमियान कैसा रिलेशन है। ओह ग्रेट आइडिया, एक काम करते हैं ना, काजी और चार गवाह को भी बुला लेते हैं, हाथ के हाथ निकाह भी कर लेंगे। फिर शेख चिल्ली की आंख खुली और उसकी टोकरी के सारे अंडे टूट गए। क्या तुम्हारी नजर में हमारी शादी शेख चिल्ली का ख्वाब है? शेख चिल्ली का तो पता नहीं, लेकिन इस वक्त मैं ये सोच रही हूँ आदम कि मैं घर कैसे पहुंचूंगी। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना तुम्हारे। इसी बात का तो डर है कि आप मेरे साथ हैं, हर लम्हा अज़ियत है मेरे लिए। क्या क्या कहा तुमने? नहीं, अब ये बारिश जैसे ही रुकती है कोशिश करते हैं कहीं किसी से मदद। घर का नंबर? हेलो राबिया बाजी, मैं नूरी बात कर रही हूँ। नूरी क्या हुआ, इस वक्त क्यों फोन कर रही हो? सब खैरियत तो है ना? अगर खैरियत होती तो मैं आपको फोन करती। क्या हुआ, अबू तो ठीक है ना? जी साहब तो ठीक है, मगर वो रानिया बाजी अभी तक घर नहीं आई हैं। मैं और साहब बहुत परेशान हैं। क्या इतनी देर हो गई और तुम अब मुझे बता रही हो? वो साहब ने मना किया था आपको बताने से, आप परेशान हो जाती ना। उसके फोन पे ट्राई की तुम लोगों ने? जी वो अपनी किसी दोस्त की मंगनी में गई थी, कहाँ ये तो पता नहीं है, लेकिन एक घंटा पहले साहब की बात हुई थी, मगर अब उनका मोबाइल बंद जा रहा है। रानिया इतनी गैर जिम्मेदार तो नहीं? खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई हादसा ना हो गया। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे वाकई। अच्छा सुनो, अबू कहाँ है, अबू से बात हो सकती? नहीं नहीं आप उन्हें नहीं बताइएगा कि मेरी आपसे बात हुई है, मतलब वो बहुत नाराज होंगे। अच्छा सुनो, जैसे रानिया बाजी घर पहुंचे मुझे एकदम से फोन करना, मैं इंतजार कर रही हूँ। अच्छा जी बेहतर। कहीं वो इस वक्त आलम के साथ तो नहीं? नहीं, उसे इस वक्त तन्हा आलम के साथ नहीं होना चाहिए। या अल्लाह। बहुत देर हो गई, कहाँ रह गई रानिया, क्यों नहीं पहुंची अब तक? पता नहीं, मारिया ने तो कहा था कि काफी वक्त पहले आबिद के घर से निकल चुकी। तो फिर कहां जा सकती है? नहीं नहीं नहीं, फिर कहां जा सकती? कोई हादसा तो नहीं? अल्लाह ना करे, अल्लाह, कहीं ऐसा तो नहीं कि आलम के वालिद के इनकार की वजह से उन लोगों ने कोई बड़ा फैसला कर लिया। हिसार-ए-इश्क हमें रात गुजारने के लिए कोई रूम मिले? जी आप दोनों शादीशुदा? जी ये मेरी बीवी। मुझे रानिया बाजी अभी तक घर नहीं आई हैं। क्या
हाँ बाजी, साहब की बहुत तबीयत खराब है, मेरे पास तो डॉक्टर का नंबर भी नहीं है। राबिया बीबी आप यहाँ पे आ जाओ, आपकी बहुत जरूरत है। घर में सब बहुत परेशान हो रहे होंगे, मुझे आपके साथ आना ही नहीं चाहिए था। अंकल को अचानक हार्ट अटैक कैसे हो गया? पता नहीं, होश में आएंगे तो पता चलेगा। वैसे रानिया का है? दिल में जो बस के सांसों का नाता ही तोड़ दे, दिल में जो बस के सांसों का नाता ही तोड़ दे, बस में नहीं है ये भी के साथ उनका छोड़ दे। कैसा है सारे इश्क है, कैसी है जिंदगी, जीने का सिर्फ नाम है।